हेलो फैन वर्ल्ड्स, तो मूवी फैन वर्ल्ड्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बैटमैन मूवी के फर्स्ट रिएक्शन की, जिसे लेकर मैं खुश भी और थोड़ा सा अपसेट भी। ऐसे आप 90% हैप्पी और 10% सैड भी कह सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स ने इस मूवी को काफ़ी अच्छा ही कहा है, यानी कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वे में नज़र आ रही है। साथ ही गौतम सिटी में क्राइम बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं और मूवी उम्मीद से ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बेंस से भरी पड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये जो क्रिटिक्स हैं, ये वो क्रिटिक्स होंगे जिनको बैटमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इन्होंने ना ही कॉमिक पढ़ी हो, इन्होंने ना ही बैटमैन की टीवी एनिमेटेड सीरीज़ भी देखी है, जो कि कार्टून से सबसे ज़्यादा अलग था और वो काफ़ी ज़्यादा डार्क भी था। और बैटमैन का यूनिवर्स डार्क ही है, ये हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है। तो ऐसे क्रिटिक्स को बिना नॉलेज लिए या फिर बिना नॉलेज के मूवी को देखकर उसके बारे में ऐसे जो है कमेंट्स देना या फिर मूवी को ख़राब कहना, मेरे हिसाब से तो काफी गलत है। अबे साले चुप, बिल्कुल चुप। और मैं एक चीज कहूंगा, एटलीस्ट बैटमैन की एनिमेटेड सीरीज देखकर ऐसे क्रिटिक्स को जो है ये मूवी देखनी चाहिए, उसके बाद ही जो है इस मूवी को कुछ यानी कि अपने हिसाब से जो है रिव्यूज देने चाहिए। अब आ जाए दूसरे क्रिटिक्स और बाकी यूट्यूबर्स के व्यू पर, तो बाकी सबने इस मूवी को जो है काफी ज्यादा अच्छा ही कहा है, क्योंकि बैटमैन का जो डिटेक्टिव मोड है वो इस मूवी में काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरे के पूरे मूवी में बैटमैन को 80% और ब्रूस वेन को 20% यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ जो भी गैजेट्स बैटमैन यूज़ करता है एनिमेटेड सीरीज़ और कॉमिक बुक में जो हमने देखे हैं, यहाँ पर उसका प्रॉपर यूज़ वो कैसे करता है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो बैटमैन की जो मूवी है वो अडेप्शन है बैटमैन ईयर वन की, यानी कि यहाँ पर बैटमैन की जो जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है एज अ डिटेक्टिव। तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें वो देखने को मिल रही है। और जो लोग बैटमैन के डाई हार्ड फैंस हैं, उन्होंने तो ट्रेलर से ही उम्मीदें बना ली थी कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। और डिटेक्टिव मोड की बात की जाए तो ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट मूवी को भी काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ देती है, क्योंकि इस मूवी में 2 साल के बैटमैन को जो है एक डिटेक्टिव मोड में जो जिस तरह से दिखाया है कि वो अपने गैजेट्स को किस तरह से यूज़ करता है और सारी जो डिटेक्टिविटी स्किल है वो किस तरह से बताई गई है, वो जो है यहाँ पर उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई है। अब इस मूवी की इंस्पिरेशन की बात की जाए तो ये मूवी जो है खुद बैटमैन की इंस्पिरेशन मूवी लॉन्ग हॉलोवीन की जा रही है। साथ ही इस मूवी की जो है इंस्पिरेशन 1917 की चाइना टाउन और कल्ट क्लासिक से भी की जा रही है। अब बात की जाए एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो सभी मेन एक्टर ने इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है अपना परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ तक कि क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं और यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं कि सभी ने अपना 101% दिया है। बट यहाँ पर मैं जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कार चेजिंग का सीन देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह जो उसी चीज़ की जो है तारीफ की जा रही है। तो ये तो हमें थिएटर में मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, और अगर ऐसी न्यूज़ आ रही है तो ये सीन जो है वो थिएटर में देखने को भी मज़ा आएगा। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें दिखाया गया है। क्रिटिक्स ऐसे ही कह रहे हैं और फिर यूट्यूबर्स वैसे ही कह रहे हैं। तो यानी कि इस मूवी में हमने जो डार्क नाइट में हैंड टू हैंड कॉम्बैट मिस किया था वो यहाँ पर मैट रीव्स ने फुलफिल कर दिया है। और सबसे अच्छी बात इस मूवी की ये है कि इस मूवी में जो है ग्राउंड लेवल की स्टोरी को जिस तरह से मैट रीव्स ने दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। बट देखिए, ये जो है ये क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स के जो है यहाँ पर रिव्यूज़ निकल कर आए हैं, बट यहाँ पर हमारे इंडिया में ये मूवी 4 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, यानी कि 4 मार्च को। तो मूवी देखने के बाद ही मैं जो है इस मूवी का रिव्यू करूँगा, बट एक चीज़ तो कंफर्म है कि मूवी काफ़ी अच्छी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और रिव्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे या फिर फर्स्ट एक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए भी एडिक्टेड। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।